क्षेत्र के गढ़ोचक गांव के पास पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे पर बाइक द्वारा सड़क पार करने के दौरान ट्रक की चपेट में आने से दो युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानंद में स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं मौत की सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को बीच सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग करने लगे। वहीं 3 घंटे तक सड़क जाम रहने के कारण स्टेट हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासन द्वारा मुआवजे की 4 लाख रुपए दिए जाने के आश्वासन के बाद समझा बुझाकर जाम छुड़ाया गया और परिचालन को सामान्य कराया गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। बताया जाता है कि बीते देर रात गढ़ोचक पुनपुन ब्रिज के पास मोटरसाइकिल पर सवार होकर सड़क पार कर रहे थे कि अचानक ट्रक ने ठोकर मार दी। स्वर्ण के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। ब्रिज के साथ हुआ कि जो रोड क्रॉस कर रहा था उन्हें दो चक्का दो आदमी से आ रहा था, तो मारे इसको फेंका गया है, चक्का वाला भी आ गया कि गिर गया, उसको भी चोट बहुत ज्यादा लग गया था। हॉस्पिटल दोनों को उठा के ले गए हम लोग, दोनों को मृत्यु घोषित कर दिया गया। अच्छा, ये कितने बजे की घटना होगी? 2 बजे के करीब, 2 बजे के आसपास, 2 बजे रात। अच्छा, आप लोग को जानकारी कितने बजे हुई? उन्हें 2 बजे जानकारी हुआ हम लोग का, और यहाँ से उठा करके ले गए हैं हॉस्पिटल में। जानकारी जब 1:45 हुई है तो घटना तो और पहले हुई होगी ना? घटना कब हुआ वो तो पता नहीं है। अच्छा, घटना का जानकारी नहीं? जानकारी जखनी हुआ जखनी घटना को मानते हैं। किसी ने गिरा हुआ देखा, खलासी था वो देखा है, तो वही आके खबर किया। तो फिर आप लोग कहाँ ले गए? ले गए सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में ले गए तो बंद था। तो चलिए, उसके बाद फिर हॉस्पिटल से रेफर करके पीएमसीएच भेजे हैं, जहाँ से मृत्यु घोषित कर दिया। मृत्यु, हाँ, वहाँ से मृत्यु घोषित हो गई। तो अब आप लोगों ने लोगों का सरकार से मांग है कि छोटा छोटा बच्चा है सर, कमाने वाला तो चल गया, तो उसके लिए कुछ रोजी रोजगार के लिए सरकार को सोचना चाहिए। प्रशासन अभी तक नहीं आई है, उनको आना चाहिए। कितना देर हो गया रोड जाम हुए? रोड जाम होला 1 घंटा से कम नहीं हुआ सर। प्रशासन के कोई लोग नहीं पहुंचे? कोई लोग नहीं पहुंचे अभी तक। क्या नाम है आपका? श्री भगवान राय मेरा नाम हुआ सर। मृतक के कौन लगते हैं? मेरे बड़े भाई हैं। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।